कब आया शाहीन बाग में बुलडोजर, किसका मकान टूटा? आसिफ स्टंटबाजी नहीं करता? जिस एमएलए को पुलिस घर से घसीट के मारती हुई लेके चली जाए, क्या बुलडोजर रोक लेगा? अब देखिए वो कहाँ थे, छोड़िए, मैं जिक्र करना नहीं चाहता। अब आप मुझसे मेरी बात करिए, कौन क्या कहता है उस पर मत जाइए, सबने सबको जानती है, आवाम सब जानती है। ठीक है, अगर एमसीडी को गलत काम करना ही है तो उसे रोकें। और वो स्टंट का क्या मतलब, क्या हम मीडिया पे बात करने के, शाहीन बाग को बदनाम करने के लिए किया जा रहा था? इसीलिए हमने वहाँ पर उसका विरोध किया था और वहाँ पर हम जनता के लिए गए थे, इसमें स्टंट का क्या मतलब है? कब आया शाहीन बाग में बुलडोजर, किसका मकान टूटा? आसिफ स्टंटबाजी नहीं करता, ड्रामा नहीं करता। आसिफ आज भी हिमायत करता है कि अगर इंक्रोचमेंट है और ट्रैफिक में हर्डल पैदा हो रहा है वो हटाने की, अगर हटता है उससे पूरे एरिया को फायदा पहुंचेगा। लोग इंक्रोचमेंट से भी लोग परेशान हैं, आम लोग परेशान हैं। अगर कहीं इंक्रोचमेंट के मामले में देखिए, जब ये इंक्रोचमेंट की एक मुहिम चली तो ये आप जिस रोड पर बैठे हुए हैं जमुना की बेल्ट में, सब लोगों ने सामान आज अंदर रख लिया, आज तक रखा हुआ है, और लोग उससे रिलीव महसूस करते हैं। अगर इंक्रोचमेंट के हटाने के लिए अगर एमसीडी आती है तो हमें इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, हम ये नहीं कह रहे बिल्डिंग तोड़ने के लिए, आप कारोबार करिए, ठेली भी लगेगी, खोमची पटरी भी लगेगी, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई नहीं मानता है तो उसके लिए अगर कोई अथॉरिटी सख्ती भी करती है तो हम उसका वेलकम करेंगे। हम तो जनरल इंक्रोचमेंट के नाम पर अगर मकान तोड़े जाएंगे तो हम किसी कीमत पर भी नहीं तोड़ने देंगे। तो क्या वो कार्रवाई सही थी, एमसीडी जो कार्रवाई कर रही थी इतनी? कहीं कर ही नहीं रही थी, खौफ तो बनाया था, भौंका लिखना बनाया था। भाई साहब इनसे डर जाती क्या? जिस एमएलए को पुलिस घर से घसीट के मारती हुई लेके चली जाए वो क्या बुलडोजर रोक लेगा? मैंने कहा कि मैं स्टंटबाजी नहीं करता,